खबर इलाहाबाद से, जहां बीएसपी नेता राजेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ताराचंद्र हॉस्टल में ये हत्या हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बीएसपी नेता राजेश यादव भदोही के ज्ञानपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो ऐसे में अब ये बड़ा मामला सामने आया है जहां पर राजेश यादव, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, उनकी हत्या की गई है इलाहाबाद में। और ताराचंद्र हॉस्टल में इस हत्याकांड को अंजाम दिया, गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले में तफ्तीश की जा रही है कि आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और इसके पीछे वजह क्या रही। आपको बता दें कि राजेश यादव ने भदोही के ज्ञानपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद से, जहां बीएसपी नेता राजेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इलाहाबाद के ताराचंद्र हॉस्टल में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जहां गोली मारकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो फिलहाल अभी छानबीन चल रही है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्यों और किस लिए और उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अगर राजेश यादव की हम बात करें, उनकी राजनीति की बात करें, तो भदोही के ज्ञानपुर से विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा था, विधानसभा का टिकट इन्हें मिला था। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजेश यादव की, जिनकी गोली मारकर इलाहाबाद में हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो भी परिजन है, जो भी परिचित है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है। तो बीएसपी नेता राजेश यादव, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताराचंद्र हॉस्टल में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जहां उन पर गोलियां बरसाई गई जिससे उनकी मौत हो गई है। पुलिस पहुंची है मौके पर, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और आगे छानबीन तफ्तीश चल रही है। तो इलाहाबाद के ताराचंद हॉस्टल में ये खबर है, जहां गोली मारकर बीएसपी नेता की हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि राजेश यादव भदोही के ज्ञानपुर सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे, वहां से वो चुनाव के मैदान में खड़े हुए थे। इलाहाबाद में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताराचंद हॉस्टल में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे तफ्तीश चल रही है, छानबीन चल रही है। इलाहाबाद से खबर, जहां बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के नेता राजेश यादव की गोली मारकर हत्या की गई है और इस हत्याकांड को ताराचंद्र हॉस्टल में अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि राजेश यादव भदोही से चुनाव लड़ चुके